Best Radio Media Innovation. Entry name, Saridon Film Review by well-known film critic and author, Bhavna Somaya. नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और ये है मेरा सैराडॉन फिल्म रिव्यू। इस हफ्ते की रिलीज है हिम्मतवाला। 1983 की हिम्मतवाला कादर खान लिखी और साउथ फिल्म मेकर राघवेंद्र राव डायरेक्टेड, जितेंद्र श्रीदेवी स्टारर, 80 के दशक के माहौल और मिजाज की सुपरहिट फिल्म थी। 2013 की हिम्मतवाला वाशु भगदानी प्रोड्यूस और साजिद खान डायरेक्टेड, अजय देवगन तमन्ना स्टारर, पुरानी हिम्मतवाला का अडेप्टेशन है। कहानी, किरदार, सोच, नियत, म्यूजिक, एक्शन, यहाँ तक की कोरियोग्राफी भी पुरानी हिम्मतवाला प्रेरित है। इसके बावजूद बात नहीं बनती। इसकी बहुत सारी वजह है, तब भी ऐसी वाहियात लिखावट, डबल मीनिंग जेस्चर्स और डायलॉग्स नागवार थे। नए अवतार में ऐसी जबान और अश्लील विचार बर्दाश्त के बाहर है। तब भी इनअप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम्स, उत्तेजित डांस स्टेप्स और बेशरम कैमरा एंगल्स एम्बैरेसिंग थे। नए अवतार में उन्हीं सब बातों को रीमेक के बहाने दोहराना वल्गैरिटी की सारी हदें पार करना है। फिल्म में ना इमोशन है, ना ड्रामा, ना ही इमेजिनेशन, ना ओरिजिनलिटी, और एंटरटेनमेंट को तो आप ढूंढते रह जाओगे। वाशु भगनानी और साजिद खान ने ये फिल्म क्यों बनाई वो जाने। अफसोस की बात यह है कि अजय देवगन जैसा काबिल एक्टर शायद 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए ऐसी फिल्म का हिस्सा बन गए। हिम्मत वाला वो नहीं जो शेर यानी टाइगर से लड़ता है, हिम्मत वाला वो है जो 3 घंटे ऐसी फिल्म को झेलता है। 2013 की हिम्मत वाला को बिग एंटरटेनमेंट रेटिंग्स मिलता है केवल 1 स्टार यानी 4 सैराडॉन। नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया, ये है मेरा सैराडॉन फिल्म रिव्यू। यूटीवी की काइपो 6 प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत की किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। काइपो 6 एक अनोखा उदाहरण है जहाँ फिल्म किताब से ज्यादा दिलचस्प है, और इसका श्रेय जाता है स्क्रीन प्ले राइटर्स पुबली चौधरी और सुप्रतीक सेन के बहुत ही प्रिसाइज और इफेक्टिव स्क्रीन प्ले को। फिल्म के ढेर सारे प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तीनों लड़के सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार और अमित साथ की एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस। फिर फिल्म का साउंड, सिनेमाटोग्राफी, आर्ट डिजाइन, म्यूजिक और फिल्म का पार्ट फिक्शन और पार्ट रियलिटी प्लॉट। ये कहानी है 3 दोस्तों के जुनून और जज्बात की। डायरेक्टर अभिषेक कपूर रॉक ऑन के बाद एक और जवान और दिलचस्प फिल्म लेकर आए हैं, इस बार सेट इन अहमदाबाद। फिल्म की जान है फिल्म के लिरिसिस्ट स्वानन किरकिरे, खास तौर पे रूठे ख्वाबों को मना लेंगे। काइपो 6 को बिग एंटरटेनमेंट रेटिंग्स मिलते हैं 4.5 स्टार्स, यानी के इस बार आपको कोई सैराडॉन की जरूरत नहीं है।